हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपने उम्र की मोहलतों में नेकियों की तरफ सबकत करो, इससे पहले कि तुम्हारे उम्र ख़त्म हो जाए और तुमको अपने बद आमालियों से सबका पड़े। हर रोज़ और हर घड़ी अमल करते रहो और मजलूमों की बददुआ से बचो और अपने को मुर्दों में शुमार करो और सब्र करो, क्योंकि हर अमल सब्र की जरिया होता है। ज़माना की गर्दश अगरचे अजीब अमर है, लेकिन इससे गफलत अजीब तर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि क़ुव्वत की बात यह है कि आज का काम कल के लिए ना उठा रखो, और जब दुनिया और आखिरत में मुकाबला हो तो आखिरत इख्तियार करो, क्योंकि दुनिया पना होने वाली है। उस दिन की बड़ी पेशी के लिए अपने आप को नेक आमाल से आरास्ता कर लो। जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किया जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा से पोशीदा बात छुपी नहीं रह सकेगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे ये बात नापसंद है कि मेरा कोई भी दिन ऐसा गुजरे कि जिसमें अल्लाह ताला के अहद यानी कुरान मजीद को ना देखूं। अगर तुम अपने बारे में गफलत में पड़ गए और तुमने मौत की तैयारी न की तो तुम्हारे अलावा कोई ये तैयारियां नहीं करेगा, और अल्लाह ताला से मुलाकात ज़रूर होनी है। इसलिए अपने लिए नेक आमाल ले लो और ये काम दूसरों पर न छोड़ो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फुर्सतों को गनीमत जानो, क्योंकि ये बादलों की तरह गुजर रही है और किसी चीज़ के गुजर जाने के बाद उसके निशानात तलाश मत करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने उम्मीद के दिनों में मौत के आने से पहले नेक आमाल में कोताही की, ओ नाकाम ओ ना मुराद हो गया। और फरमाया, जिसे तुम खौफ के वक्त अमल करते हो ऐसे ही दूसरे औकात में भी शौक और रोबत से अमल किया करो।